जल्दी पत्थर मत लाना। वो नहीं चाहिए, चला जा तू वहाँ नीचे। बगीचे में एक करेला मिल गया है और है वो नहीं तोड़ना बेटा। आ जा इसमें ढूंढते हैं। आई हूँ इसमें ढूंढने बेटा। पाइप बदलो तो, चलो पाइप चेंज कर देते हैं। चलो ना इसमें डाल दो, इसमें इसमें आंवला में डाल दो, आंवला में डाल दो, इस वाले में हो गया बेटा, इसमें डाल दो। आ जा चलो ना हम करेला ढूंढ लेते हैं। आ जा तू मेरे साथ। देखो यहाँ कितने सारे पक गए बेटा, देखो तो सारे कितने हैं। ये वाला तोड़ते हैं। ये लो ये पकड़, ये लो पकड़ो। ओल भी तो ढूंढ लें, ढूंढ ना, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। लो ये भी ले लो, फिर ये पक जाता है। लो फ्रेंड्स ये ना सब कुटिया है, ये दिख रहा है। उस जीतिया टाइम पे ना नहीं फल रहे थे, वो छत कुटिया है बेटा। यहाँ भी कितना बड़ा ये पक गया, देखो ये कितना बड़ा था। ये सारे बेटा दिखते ही नहीं है जब हम ढूंढते हैं तो। लो कितने सारे पक गए, देखो तो और दिख रहा है। छोटा सा नहीं बेटा, देखो यहाँ पे ना फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक ये बैगन दिख रहा है, इसको तोड़ लेती हूँ मैं। और एक छोटा सा ये दिख रहा है बेटा, तोड़ लें, तोड़ लेते हैं इसको। रुक जा, टूट नहीं रहा है जद्दू। तू तो पेड़ ही तोड़ देगा। चाकू को टूट जाएगा, वो टूट गया। ये तो एक छोटा है, उसको बाद में तोड़ेंगे। और नहीं है, नहीं है। चल क्या मिला आपको, चलो नाना जी को दिखाते हैं। चलो दालों चावल दोनों एक ही साथ बन गए हैं एक ही बार में, तो टाइम भी इतना बचा है और गैस भी बचता है ऐसे बनाने से। दो तीन लोगों के लिए बहुत है ये खाना ऐसे, इससे पेट बना देने से। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके साथ चलिए शेयर करती हूँ ये कुछ सामान जो लाए थे डी मार्ट से। तो जीजा साली गए थे घूमने, तो ये चोको पाए, तो ये टोटल बच्चों ने एकदम से ख़त्म कर दी सिर्फ दो दिनों में पूरा बॉक्स।
डी मार्ट से ना सामान अच्छा भी मिलता है और कुछ उसका प्राइस भी कम होता है नॉर्मल मार्केट से। तो ज़्यादातर सामान सिर्फ बच्चों का ही था। देखिए वो छोको पाई, फिर इतनी सारी चॉकलेट्स जो कि मैंने ना वीडियो बना के, मतलब ज्योतिका स्कूल के उसके बाद वीडियो बनाया, फिर मैं सारी उठा के फ्रिज में डाल दी थी। और ये देखिए ये झुमका, ये तो बाहर से लिया है कहीं से। और यहाँ पे ना ये कुछ कपड़े भी लाए थे बच्चों के। तो चलिए मैं ना ये सारा सामान आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो मैंने ना पहले ही बना लिया था, बस वॉइस ओवर आज कर रही हूँ और आवाज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब बहुत सर्दी बुखार सर दर्द सब है। तो फ्रेंड्स ये है, ये नेटिव ब्रिज का दोनों के पैंट है यहाँ पे इसमें। और ये ना डी मार्ट से ही लाए थे। तो ऐसे वाले अच्छे लगे मुझे। मैं ना मीशो से भी मंगाई थी इसके पहले दो बार, तो वो सब अभी मतलब पुराने हो गए। ज्योतिका स्कूल जाती है तो उसके लिए ये अच्छे हैं सारे, उसको मतलब स्कर्ट है स्कूल में। तो देखिए ये है, ये जयदीप का टी शर्ट है, उसी के साइज़ का ही मुझे लग रहा था। और ये ना थोड़ा सा लंबा था ब्लू वाले से, तो ये ज्योतिका की साइज़ का है, मतलब दोनों के साइज़ का। तो एक ये दोनों पतले पतले ही हैं, दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, तो थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो ज्योतिका का है। और इसमें पैजामे थे तो ये ना सही थे ये कपड़े ठंडी के लिए। तो ये ज्योतिका के लिए है ब्लू वाला। और ये पैंट देख के ना आर्मी की जो डिज़ाइन है, जयदीप सीधे बोला ये ना वंदे मातरम वाला पैंट है, वो ऐसा बोल रहा था। तो मुझे मतलब हंसी आई फिर मेरे, हाँ हाँ। और ये डोरमेट है, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, मतलब बहुत सुंदर लगे। तो मैं सोची इसको नवरात्रि में बिछाऊंगी या मतलब नव ये कर पाई तो फिर दीवार में बिछाऊंगी, लेकिन तबीयत अभी बिल्कुल सही नहीं मेरा, कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। और ये वीडियो पहले ही शूट किया था तो सोची इसका ना वॉइस ओवर करके मैं डाल देती हूँ। और ये दिया देखिए, ये 69 का ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पीतल का बहुत भारी जो हैवी वजन वाला होता ना उतना नहीं था, थोड़ा सा पतला था लेकिन सही था। और ये ना ज्योतिका का ये कंपास बॉक्स है, मतलब इसका टूट गया था, दो उसने तोड़े थे तो ये अभी तीसरा था। और ये हॉर्लिक्स बच्चों के लिए, और ये मामा अर्थ का ये फेस वॉश, तो सही है ये 250 का। और दिया में बोली और क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि अभी कार्तिक आ रहा है तो तुलसी में भी जलता है, आंवले में भी जलता है। और मेरा एक दिया ना अभी टूट गया है, तो ये मोती बेकरी से लाए थे, पहले बहुत लाते थे मोती बेकरी से, लेकिन अभी नहीं लाते, कभी कभी ही लाते हैं। तो अभी गए थे फिर से ये तो लेके आए हैं। और इसमें ना नान खटाई थी, और ये मतलब ये सारा सामान लेके आए थे। और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य लगा था ये झूलाए थे ना कि झुमका, मतलब इतने सालों में पहली बार लाए थे, तो मुझे वही बहुत आश्चर्य लगा। तो मैं भूमिका को यही पूछ रही कि तूने बोला था या इन्होंने अपने मन से खुद लिया था, तो बोले कि पसंद जीजू ने किया था, लेकिन मैंने बोला था तभी मैं सोचूं कि इनको ये सारी चीज़ें लेने कैसे आ गई। तो बस उसने कहा कि जीजू ले लीजिए। और ये ना सेम ये द्वारका में ना मैंने 150 के देखे थे, और अभी मैं रामदेव पीर के मेला में गई थी ना तो वहाँ पर 100 रुपये में बिक रहे थे, और यहाँ पे ना ये 60 रुपये के लाए हैं, तो मुझे बहुत सस्ते लगे ये झुमके 60 रुपये में, क्योंकि ये बड़े वाले थे। तो लेने का तो मुझे बहुत मन था, लेकिन 150 और 100 रुपया सुन के ना मैं नहीं लेती हूँ कि मतलब बहुत ये है। तो मैं बोली और क्यों नहीं लिए, तो वो बोले कि मतलब नहीं दिया मैंने, 100 में 2 मांगे थे। तो फ्रेंड्स ये नवरात्रि के दिन का है, मैं ना देखिए जितना था नॉर्मली पूजा पाठ की है, कुछ खास नहीं। तो झुमके नए आए थे ना तो श्रृंगार की चीज थी, बस मैंने रख दी माता रानी के पास आशीर्वाद के लिए। फिर ये नया वाला दिया भी मैंने जला दिया नवरात्रि से ही, तो मैं ज़्यादा पूजा पाठ आरती वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, बस नॉर्मली दिया जल जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। जय द्वारकाधीश, जय मां नव दुर्गा, सपोर्ट करिए फ्रेंड्स प्लीज़।